हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे सब लोग सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस वक्त मैं अनअकैडमी के एक्सेलरेट यूट्यूब लाइव चैनल पर आप सभी बच्चों को 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन वाला पोर्शन कवर कर रहा हूं, जो कि आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी चैप्टर से बिलोंग करने वाली नेम रिएक्शन से जरूर होते हैं। ओके, तो इतने सारे चैप्टर्स को एक बार में पढ़ने में हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का समय लगता है, बट इस 3 से 4 महीने के समय को कम करते हुए नेम रिएक्शन सेगमेंट तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग सारी की सारी नेम रिएक्शन कवर करते हैं विद कंप्लीट मैकेनिज्म। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपके सिर्फ 45 डेज का, यानी कि एक दिन में एक रिएक्शन भी करेंगे तो 45 दिन में 45 नेम रिएक्शन आप लोग कर लेंगे, और इन 45 नेम रिएक्शन से ही कहीं ना कहीं आपका मेंस और एडवांस का पेपर बन के आता है। ओके गाइस, इससे रिलेटेड और ऑलरेडी हमारी बहुत सारी नेम रिएक्शन हो भी चुकी है, ठीक है, और कुछ आने भी वाली है। तो सबसे पहले तो गाइस, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। माय नेम इज पराग किरार एंड आई एम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। आप सभी बच्चों को अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जेई मेंस और एडवांस के लिए केमिस्ट्री की तीनों डिविजन पढ़ाता हूँ, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे सर्च करें, पराग किरार माय नेम, ओके, देन फॉलो करें। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे अपकमिंग कोर्सेज, मेरे कंप्लीटेड कोर्सेज और ऑनगोइंग कोर्सेज आपको वहां पर शो होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर कर सकते हैं। ओके गाइस, वहां पर करस्पॉन्डिंग रिकॉर्डेड वीडियोज के साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने IIT JEE मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ गाइस, अब अगर अनअकैडमी की बात करें तो आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। कोटा और इंडिया के टॉप टॉप एडुकेटर्स अब अनअकैडमी के साथ आप लोगों के लिए अवेलेबल है गाइस, ठीक है। सारे के सारे एडुकेटर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनमें से मैक्सिमम तो IITians हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कि नीट सेगमेंट में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑथर्स भी अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी अवेलेबल है दोस्तों। सो गाइस, अनअकैडमी की सबसे खास बात तो ये है कि जहां एक तरफ आप 1.5 से 2 लाख रुपए का भारी भरकम अमाउंट एज अ फी पे करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ उनकी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, ना तो आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है, ना पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ना तो पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। मिलती है तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज, लेकिन अनअकैडमी आपको बहुत ही स्पेशल ट्रीट कराता है। अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है, उसमें जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं गाइस, जिसमें आप कमेंट सेक्शन के थ्रू एडुकेटर से पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने मन की बात बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सब कुछ। एडुकेटर्स भी यहाँ पर लाइव जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी लाइव कोर्सेज लेकर आते हैं, वो सभी के सभी प्रॉपर सिक्वेंशियल थीम में होते हैं, रैंडम जाते हैं। जैसा वो लोग कोटा में पढ़ाते थे, वैसा ही वहां पर अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, ठीक है। इवन आई एम आल्सो फ्रॉम कोटा, तो मैं खुद भी यहां पे ऐसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। हम सभी एडुकेटर्स आप सभी बच्चों के लिए वीकली क्विजेस कंडक्ट करते हैं, ताकि जो रिस्पेक्टिव चैप्टर आप लोगों का चल रहा है उसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो सके एज पर करेंट पैटर्न। एवरी 4th क्लास हम एडुकेटर्स आप सभी बच्चों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, ताकि पिछली 3 क्लासेस में हमने जो भी पढ़ाया है आपको वहां पर कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। साथ साथ हम लोग प्लस प्लेटफॉर्म पर हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स की अच्छी खासी DPP देते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से 200 क्वेश्चंस होते हैं करंट पैटर्न पर बेस्ड। ओके, आपको मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करते हैं गाइस, जैसा कि आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है। ओके, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, मतलब कि सारा एकेडमिक सिस्टम बहुत ही रिलायबल अमाउंट में आप सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है। जस्ट सपोज कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, ठीक है, तो 12 महीने की
एक साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए। लेकिन उसमें भी अगर आप हम एडुकेटर्स का रेफरल कोड यूज करते हैं, जैसा कि मेरा रेफरल कोड है पीके सर, तो गाइस आप लोगों को इस पर भी 10% डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद ये फीस आपकी हो जाती है 27,000 रुपीज, यानी कि 9,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। हम 9,000 रुपीज पर सब्जेक्ट कोटा के हाईली एक्सपीरियंस ऑफ वेल नोन फैकल्टीज के साथ पढ़ना, मतलब बहुत स्पेशल बात है गाइस। इसके बाद भी अगर आप सभी बच्चों को या किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो गाइस दैट इज माय मोबाइल नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो भी जानकारी आपको चाहिए रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी की अकेडमिक स्ट्रेटजीज, वो सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है गाइस, आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैं डायरेक्ट रिएक्शन या उसके मैकेनिज्म लेकर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन के सामने मैं थ्योरी रखता हूं, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को पिक करते हैं, उसके बाद एक लॉजिकल आइडिया के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जो रिएक्शन है बेयर-विलिजर रीअरेंजमेंट, जो दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, इन दोनों का कंबाइंड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, द बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन इज द क्लीवेज ऑफ अ कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू अ कार्बोनिल विच कन्वर्ट्स कीटोन टू एस्टर एंड साइक्लिक कीटोन टू लैक्टोन्स। ओके गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन-कार्बन सिग्मा बॉन्ड का डिफॉर्मेशन होता है और ये एक एडजेसेंट कार्बोनिल पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस सब्सट्रेट को आप इस ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में यूज करेंगे, या तो वो सब्सट्रेट आपका कीटोन होगा या तो वो सब्सट्रेट आपका साइक्लिक कीटोन होगा। अगर वो कीटोन होगा तो वो एस्टर में कन्वर्जन देगा, और अगर वो साइक्लिक कीटोन होगा तो वो लैक्टोन में कन्वर्जन देगा। ये बात तो फिक्स है कि आपके सब्सट्रेट कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड ही रहेंगे जिसमें कीटोन ही आपको यूज करना है, चाहे आप नॉर्मल कीटोन लें चाहे आप साइक्लिक कीटोन लें। ठीक है, नॉर्मल कीटोन से एस्टर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन की प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कन्वर्जन के लिए, इस ऑक्सीडेशन मेथड के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने सेकेंड नंबर पॉइंट पर इस वक्त अवेलेबल है गाइस, देखें। The Baeyer-Villiger can be carried out with paracids. Paracids को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। Paracid में जैसे MCPBA, MCPBA मतलब metachloroperoxybenzoic acid, ठीक है, metachloroperoxybenzoic acid ये होता है paracid। या फिर आप hydrogen peroxide का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप Lewis acid का भी यूज कर सकते हो। तो ये तीन varieties हैं रिएजेंट की जिन्हें आप बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आपके सामने जनरल अप्रोच में रिएक्शन की रखने जा रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। दैट इज योर सब्सट्रेट गाइस, ये आपके पास है सब्सट्रेट। क्या लिया है मैंने, या तो कीटोन लूंगा या तो साइक्लिक कीटोन लूंगा। ठीक है, या तो कीटोन है मेरे पास या तो साइक्लिक कीटोन है। अब रिएजेंट देखिए, या तो परऑक्सी एसिड है मेरे पास या तो एनसीपीबी है। प्रोडक्टिविटी, या तो कीटोन लिया तो एस्टर बनेगा, साइक्लिक कीटोन लिया तो लैक्टोन बनेगा। और मेथोडोलॉजी आपको बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया गाइस। मेथोडोलॉजी मतलब क्या, कौन सी मेथोडोलॉजी अलग रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आपके सामने इस वक्त जनरल रिएक्शन इस तरीके से अवेलेबल है गाइस, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन। अगर आप कीटोन का इस्तेमाल करते हैं परऑक्सी एसिड या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, आप इसे एस्टर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज योर नेक्स्ट। अगर आप साइक्लिक कीटोन का यूज करते हैं, साइक्लिक कीटोन का यूज करते हैं तो परऑक्सी या परऑक्साइड एसिड की प्रेजेंस में आप इसे लैक्टोन बनाते हैं। लैक्टोन कैसा भी हो सकता है गाइस, जिसमें कई सारी CH जुड़ सकती हैं साइकिल में। ये आप ये देख रहे हैं, ये विद इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और N लगा हुआ है, मतलब CH2 की यूनिट कई सारी जुड़ सकती है, ये आपको यहाँ देखना है। ठीक है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। जस्ट सपोज आपके पास है ये
एक एग्जांपल से मैं ये रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करने जा रहा हूं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो इसे ऐसा भी देख सकते हैं, आपके पास है R1, ठीक है, दैट इज योर C डबल बॉन्ड O, दैट इज योर R2। गाइस ये आपके पास आपका कीटोन। जस्ट सपोज मैं परोक्सी वाला कोई रिएजेंट ले लेता हूं, जस्ट सपोज कि मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, मान के चलिए मैंने ये लिया HOO, दैट इज योर व्हाट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज योर व्हाट फिनाइल। हर एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर तो हैं, आप जानते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्तों। आपको परोक्सी लिंकेज नजर आ भी रही होगी, ठीक है, परोक्सी लिंकेज नजर आई आपके रिएजेंट में। अब यहां सबसे पहले क्या होगा आपको वो देखना है, ठीक है। मैं आपको यहां पर प्रोटोनेशन दिखाने वाला हूं। आप जानते हैं आपके पास जो कीटोन है एक कार्बोनिल सिस्टम होता है, कार्बोनिल सिस्टम मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो दोनों में से कोई भी एक लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और वो हाइड्रोजन कहां से आएगा आपके रिएजेंट से आएगा, ठीक है। यहां से एक H+ जैसे ही रिमूव हुआ आपकी नेक्स्ट स्पीशीज क्या तैयार होती है आप देखिएगा, ठीक है, जैसे ही एच प्लस यहां से रिमूव हुआ आपकी नेक्स्ट स्पीशीज क्या तैयार हुई, दैट इज आर वन, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ गया बेटा आपके हाइड्रोजन से, अब ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, एक तो हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड से वो कार्बन से जुड़ा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, R2 as it is, और आप साथ में पढ़ा क्या है, ये ऑक्सीजन हैविंग थ्री लोन पेयर कनेक्टेड विद अनदर ऑक्सीजन हैविंग टू लोन पेयर कनेक्टेड विद योर व्हाट कार्बन, एंड दैट कार्बन इज कनेक्टेड विद व्हाट योर फिनाइल, ठीक है दोस्तों। अब आपको इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करना है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज में इस वक्त अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड भेजेंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप आई क्या गाइस, अगली स्टेप जो आई है वो देखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये ऑक्सीजन तो हो गया भैया सेटिस्फाइड, पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन हमारे कैटायन के कैटायन जनरेट हो गया कार्बन के ऊपर। अब कैटायन जनरेट है तो क्या करेंगे भैया उस कैटायन के लिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपका कैटायन जुड़ेगा कहां, आपका कैटायन जुड़ेगा ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास तीन तीन लोन पेयर एंड वाला ऑक्सीजन, ये उठ के आएगा और आपके करस्पॉन्डिंग कार्बो कैटायन पर जुड़ेगा गाइस। अब आपकी जो नेक्स्ट स्पीशीज तैयार होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज तैयार हो रही, देखिएगा ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद कार्बन, कार्बन इज कनेक्टेड विद टू एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज कनेक्टेड विद योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद अनदर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद योर व्हाट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन इज कनेक्टेड विद फिनाइल रिंग, ये आपका एक सिस्टम मुझे नजर आ रहा बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे होगा बेटा रीअरेंजमेंट, अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा आपको ये देखना है गाइस, ओके, तो बढ़िया तरीके से आपको रीअरेंजमेंट देखना। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एल्काइल ग्रुप को पकड़े और रीअरेंजमेंट करवाएं, किसके ऊपर करवाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, मैंने पकड़वाया इस कार्बन को, ठीक है, इसको उठाया जोड़ा किससे ऑक्सीजन से, यहां हुआ वन डिफॉर्मेशन, ये आपका इतना पार्ट पूरी तरीके से अलग ही हो गया, ठीक है, ये पार्ट पूरी तरीके से अलग गाइस, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास अब स्पीशीज क्या तैयार हुई है देख लीजिए, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से अभी ड्रॉप किया था, ठीक है गाइस। अब आपके पास ओ एच करस्पॉन्डिंग कार्बन पर आपके पास है क्या, कुछ नहीं, कैटायन जनरेट हुआ क्यों, क्योंकि आपका एल्काइल उसको छोड़ के गया था, R2 as it is, ठीक है, यहां पर आएगा एक ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से जुड़ा है आपका R1, साथ ही साथ आपका जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना था, आपके पास एक और चीज थी ना, क्या थी, pH C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास था। अब बेटा ये O नेगेटिव करेगा क्या,
देखिएगा आपके ऑक्सीजन, ये जो आपका अभी कार्बोकैटायन तैयार हुआ है, तो कार्बोकैटायन वाली स्पीशीज पे जरा नजर मारे। कार्बोकैटायन को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑक्सीजन क्रिएट करेगा पाई बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो आपको पता है कि अगली स्पीशीज अनस्टेबिलिटी के साथ बनेगी, मतलब ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा होगा उस कंडीशन में। तीन बॉन्ड कैसे बनाएगा आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। यानी कि गाइस ये बनेगा आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से तो जुड़ा ही जुड़ा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तीन बॉन्ड बनाते। ये डबल बॉन्ड कार्बन इज कनेक्टेड आर टू, ये आपका ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद आर वन, ठीक है। अब दादा क्या होगा, आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि वो तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बनाते ही पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट कर लेता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हेटरोलिटिक बॉन्ड डिफॉर्मेशन कराऊं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लेगा और हाइड्रोजन को पॉजिटिव फॉर्म में भेजेगा किसके पास, ये ओ माइनस के पास। तो आपकी जो सेकेंड स्पीशीज तैयार हो रही है वो कैसी रहेगी गाइस, ये स्पीशीज जो तैयार हुई आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो स्पीशीज है वो इस तरीके की रहेगी। फाइनल प्रोडक्ट अब मैं बनाने जा रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, आपको बढ़िया समझ में आएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। सो गाइस ये तो हो जाएगा बेटा आपका इस तरीके का कंपाउंड, ठीक है, एस्टर में बदलेगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद आर टू इज कनेक्टेड विद ओ विच इज कनेक्टेड विद आर वन प्लस प्लस PH C डबल ओ एच हो गया आपका बेंजोइक एसिड। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाए, दीज आर योर प्रोडक्ट, ओके गाइस। ये है आपकी बेयर विलिजर रिएक्शन, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग था ही नहीं, एक एक करके आपने बढ़िया शानदार तरीके से मैकेनिज्म समझा, ओके गाइस। सो अब मैं आपको अपने प्लस कोर्स की कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ। इस वक्त अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर 11th क्लास के मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनगोइंग है गाइस, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसकी टाइम 7:30 से 9 होती है शाम को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एस और पी ब्लॉक चल रहा है, जिसकी टाइम दोपहर में 1 से 2:30 होती है। डेली मेरी स्पेशल क्लास होती है जिसमें मैं कोई भी रेंडम टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, यूज माय कोड पीके सर एंड गेट 10% डिस्काउंट गाइस, ठीक है। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मैंने अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रीवियसली दे दिया है, ओके। सो गाइस सब्सक्राइब नाउ, लर्न लीप एंड लीड विद अनअकैडमी। एज यू नो दैट आज की डेट में सारे के सारे स्टूडेंट अनअकैडमी ही प्रिफर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तो बहुत रिलायबल है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत रिलायबल, इतनी ज्यादा फीस नहीं है अनअकैडमी की जितनी आप लोग सोचते हैं, ठीक है। और पहली बात तो अनअकैडमी को आप मंथली सब्सक्राइब कर सकते हो, आप 1 मंथ का भी